इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ट्विटर स्पेस क्या होता है। ट्विटर पर आपने स्पेस का ऑप्शन देखा होगा, तो क्या है, किस तरह से काम करता है और उसको यूज़ कैसे करें, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ट्विटर पर स्पेस का जो ऑप्शन है वो काफ़ी सारे लोगों के पास है और वो काफ़ी सारे लोग उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं ट्विटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ट्विटर के होम पेज में आएंगे और होम पेज में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का प्लस का जो आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्पेस का ऑप्शन आ जाता है। तो ये स्पेसेस क्या है या फिर स्पेसेस क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेसेस लिखा हुआ है, अब इसको इस्तेमाल करना या फिर इसके बारे में पहले समझते हैं। तो जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, आप मान लीजिए व्हाट्सएप हो गया, तो व्हाट्सएप पर हम वॉइस चैट कर सकते हैं ग्रुप्स के में या फिर लोगों के साथ, कई सारे दो तीन लोगों को एक साथ। फेसबुक पर भी ये मैसेंजर पर पॉसिबल है, लेकिन ट्विटर पर जो ऑप्शन है वॉइस चैट का वो नहीं है। तो ट्विटर ने अपना जो वॉइस चैट का ऑप्शन है स्पेसेस के तौर पर लॉन्च किया है। मतलब आप इससे कई सारे लोगों के साथ एक साथ वॉइस चैट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं इस जो ऑप्शन है इसके माध्यम से, स्पेसेस के थ्रू। तो कैसे ये काम करेगा अब उसको देखते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्पेसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नई विंडो खुल जाती है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका जस्ट नाउ इस्तेमाल कर चुका हूँ तो यहाँ पर ये काम अभी नहीं कर पा रहा। तो एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर इसको पहले रिफ्रेश कर रहे थे एक बार, तो एक बार इसको रिफ्रेश अच्छे से हो जाने हैं। और एक बार फिर से मैं स्पेसेस के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है अब ऑप्शन क्रिएट योर स्पेस। मतलब आप किस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर ग्रुप में डिस्कशन करना चाहते हो या फिर कोई भी एक आपको टाइटल दे देना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एग्जांपल ही डाल देता हूँ, मतलब यहाँ पर डाल दिया। तो इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट अप टू 3 टॉपिक्स, यहाँ पर आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आपका जो बातचीत आपको जो लोगों के साथ करनी है वो किसके रिलेटेड है, कौन सा वो सब्जेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करते तो भी कोई इशू नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करूँगा। उसके अलावा स्टार्ट योर स्पेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगला जो पेज है वो खुल जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो कनेक्टिंग है, हमारे वॉइस डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को यहाँ पर ऐड करना इसके अंदर, तो काफ़ी इजी है। ऐड करने के लिए यहाँ पर जो बटन है, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का जो देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का एक और ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी है इमोजी वगैरह वो शेयर आप कर सकते हैं, जिनके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, जिनके साथ बातचीत हो रही है। उसके अलावा शेयर का है तो आप अपने जो डिस्कशन चल रहा है उसको अपने किसी दोस्त फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इस जो आपने डिस्कशन किया है उसको ट्वीट के तौर पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कैमरा मैंने जो माइक है उसको ऑफ कर रखा है। अगर आप चाहते हैं अपने माइक को ऑफ़ करना तो वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर माइक का ऑप्शन है, इसको आप चाहे जब चाहे वो ऑफ करेंगे, जब चाहे तब आप ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी कोई बोलने जैसा नहीं है तो आप इसको ऑफ़ करेंगे। अगर आपको लगता है अभी डिस्कशन हमें करना है तो इसको ऑन करेंगे। साथ ही अगर आप कोई दूसरे व्यक्ति जुड़ते हैं लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनना चाहते तो भी आप उनको जो माइक है उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से जो सिस्टम है या फिर स्पेसेस का जो ऑप्शन है ट्विटर का वो काम करता है, आप समझ गए होंगे। खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा।